डेविड अबाब के बच्चे अमरीकी तलबा के नक्शे कदम पर। एफजी स्कूल की जमात में तालबे इल्म की फायरिंग, साथ ही उस्मान बशीर को कत्ल कर दिया। मुल्जिम हैदर अली गिरफ्तार, वाकई तहकीकात जारी। वजीर आजम की बहन 2,94,00,000 रुपए एफबीआर में जमा कराएं, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म सुना दिया। खिलाफ वर्जी पर जायदाद जब्त कर ली जाएगी, चीफ जस्टिस का अलीमा खान को इंतबाह, कहती हैं दुबई में जायदाद $370,000 में खरीदी, 50% कर्ज लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने नई JIT बना दी, DG नेक्टा खालिक दार सरबरा होंगे। तहकीकाती टीम में ISI और IB के नुमाइंदे भी शामिल। अराजी मुंतकली में नवाज शरीफ के किरदार का जायजा लिया जाएगा। खालिक दार को 27 दिसंबर तक TOR जमा कराने का हुक्म। रेलवे खसारा केस में साद रफीक सुप्रीम कोर्ट में पेश, आपके वकील कहाँ हैं? चीफ जस्टिस का सवाल, मालूम नहीं, राबते में नहीं हूँ। लीगी रहनुमा का जवाब, तारीख दे देते हैं, आपको जल्दी तो नहीं? अदालत का सवाल, कोई जल्दी नहीं, नैब की तहवील में हूँ। साद रफीक का जवाब, समाज 26 दिसंबर तक मुलतवी। नैब में इस्लाहात की अशद जरूरत है, मौका मिला तो नैब सेल में लगे कैमरे हटवा देंगे। साद रफीक की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा नैब सेल में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। आम आदमी पूछता है चोरों को कब जेल में डालेंगे, अवाम की उम्मीद खत्म नहीं होने देंगे। वजीर खजाना असद उमर का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा सरकारी अफसर किस पार्टी को सपोर्ट करता है फर्क नहीं पड़ता, करेंसी डिवेल्यूएशन कौम की इज्जत नफ्स का मसला नहीं। नवाज शरीफ एहतसाब अदालत में पेश, अल अजीजिया रेफरेंस में डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब के हतमी दलाइल जारी, फैसला महफूज किए जाने का इम्कान। पंजाब में नून लीग और तहरीक इंसाफ का एक और बड़ा इम्तिहान, PP 168 लाहौर में जिमनी इंतखाब पोलिंग जारी, वोटर्स की आवभगत, पुरतकल्लुफ नाश्ते का एहतमाम, नशिस्त ख्वाजा साद रफीक ने खाली की थी। ऑफिस वालों को तो मना नहीं किया जा सकता ना कि CNG की हड़ताल है या कुछ है, जो भी हो रहा है पब्लिक ही पिसती है इसके अंदर, परेशानी पब्लिक को ही उठानी पड़ती है। किराया ज्यादा ले रहे हैं, 50-50, 60-60 रुपए तो किराया ले रहे हैं वो, तो बताएं गरीब आदमी कहाँ जाएगा। हुकूमत को तो पता नहीं क्या कर रही है भाई, ट्रांसपोर्ट वजीर पता नहीं क्या सो रहा है कहीं जाकर के। सिंध में गैस का बहरान संगीन, CNG स्टेशन और सनतों को सप्लाई आज भी बंद। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में मुसाफिर रुल गए, कारोबार बंद, घरों के चूल्हे भी ठंडे पड़ गए। वजीर आजम का नोटिस, तहकीकाती कमेटी बना दी। मिट्टी की हालत बहुत बुरी है, RO प्लांट का पानी पिया, सारा दिन परेशान रहा। वजीर आला ने एक बूंद पानी नहीं पिया, पानी का टेस्ट कराएंगे। थर अमवाद केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा दौरे के 22 डॉक्टर्स और नर्सेस को बुलाया गया, कनातें और चादरें लगाई गईं। अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में बैरुल मज़ाहिब रिमार्क्स, मलिहा लोधी ने अमन की काफिश करार दे दिया, तमाम मुल्कों से हम आहंगी के लिए मजीद इकदाम की अपील भी कर दी, नफरत अंगेज रवैयों की मुजम्मत। मकबूजा कश्मीर में भारतीय दहशतगर्दी जारी, सोपूर में फायरिंग, 2 अफराद शहीद, आजादी के लिए खवातीन की रैली, हुर्रियत रहनुमा मीरवाइज का पैलेटगन से मुतासरा नन्नी हिबा के घर का दौरा, बच्ची की हालत देखकर आंखें भर आईं, कहते हैं आखिर इस जारियत का खात्मा कब होगा। सेक्युलर होने का भांडा फूट गया,